सहयोगी एक जगह पर मौजूद थे, वहां पर भी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है और किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी है वो दिखा रहे हैं। जरा देखिए उनकी रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को अवैध बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं, फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये लता मंगेशकर चौक है जहां पर एक टीम सीआरपीएफ की तैनात की गई, जो आरएएफ है जो उसकी रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिट है उसको तैनात कर दिया गया है, जिसमें जेंट्स जवान भी और महिला जो लेडीज कमांडो हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है काफ़ी मुस्तैदी के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे। लेकिन ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिसके लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो सीआरपीएफ की आरएएफ है यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप देख सकते हैं यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर आप देखिए वज्रवाहन के साथ जो मल्टी लेयर गन है, जो एमएलबी जिसे कहते हैं, जिसमें आंसू गैस के गोले भी और धुआं, मिर्ची धुआं और पानी की बौछारें सब एक साथ यहाँ पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए तैनात किए गए। मैं हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रही हूँ और धीरे धीरे मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाती चलूंगी। और इसके साथ में देखिए सिक्योरिटी दिखाइए जरा, ये अभी हनुमानगढ़ी पे मैं वहाँ खड़ी हुई थी, ये देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से सिक्योरिटी की गई है। एसपी और एसीपी सभी लगातार यहाँ पर सघन चेकिंग कर रहे हैं, लगातार उनकी ओर से मार्च निकाला जा रहा है, सबको निर्देश दिए जा रहे हैं ये देखिए, ताकि सिक्योरिटी देखी जा सके कि सब कुछ ठीक है। लेकिन चलते चलते मैं अरुण की रिपोर्ट भी आपको दिखाती हूँ, अरुण कहाँ पर मौजूद थे और वो आपको क्या तस्वीर अयोध्या की दिखा रहे हैं, जरा देख लीजिए। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है वो छटा निराली है, अनुपम है, अयोध्या का सौंदर्य देखते ही बनता है। इस वक्त देखिए पूरी तरह से अयोध्या को फूलों से सजाया गया है, जहां भी आपकी नजर जाएगी हनुमानगढ़ी से लेकर के सुग्रीव किला तक, जहां भी आप देखेंगे फूल ही फूल नजर आएंगे। और दिन में भी अयोध्या जगमगा रही है, अगर तस्वीरें आप देखिए तो जो हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते पर पूरे समय जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको ऊपर दिखाई देगा तिलक, जो प्रभु श्री राम की पहचान हुआ करती थी तिलक, उस तिलक को चित्रित किया गया है लाइटों के जरिए और वो दिन में भी जगमग हो रहा है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो पूरे हनुमानगढ़ी तक, राम जन्मभूमि तक, यहाँ से जो नया घाट से रास्ता गया उस पर ऐसे ही लाइटें लगाई गई हैं जो दिन में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। और लोगों का हुजूम भी आप देख रहे होंगे लगातार प्रभु श्री राम के मंदिर की तरफ जा रहा है, हालांकि दर्शन बंद है, हनुमानगढ़ी लोग दर्शन कर रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो अयोध्या की छटा ही निराली दिख रही है। तो प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब कुछ ही घंटों बचा है और पूरी अयोध्या सज धज कर अपने प्रभु के आगमन के लिए, उनमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। तो मैं अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, वो छटा दिखा ही रहे थे आपको अरुण, लेकिन देखिए आज हनुमानगढ़ी पर खासा भीड़ है और उसका कारण कि राम मंदिर के दर्शन तो आज बंद हैं, तो जो आपको भीड़ मिलेगी वो आज हनुमानगढ़ी की तरफ मिलेगी। मैं अगली रिपोर्ट लूंगी, लेकिन बीच में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, शायद कोई वीवीआईपी मूवमेंट हुआ है, वो कौन है देखती हूँ जरा मैं, उसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ। तो ये ठीक है, तो कार सेवकपुरम में कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले विदेशी कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं, बलिया से नजदीक वाले, आप कहाँ से? मारा से, ओरा देवी बंजारा समाज। बहुत बढ़िया, बहुत पहले में और अब में जमीन आसमान का है, पूरा राममय हो गया है अयोध्या। और आने वाले समय में जिस तरह मुसलमानों का मक्का मदीना है वैसे अयोध्या हिंदुओं का हो जाएगा। ठीक है, मैं एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ, फिर मैं लोगों से बातचीत यहाँ करती हूँ। कार सेवकपुरम में कल प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले लोगों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। कार सेवकपुरम वो जगह है जहाँ पर किस तरीके से पूरे मंदिर को लेकर तैयारियां की गई थी। अमित की रिपोर्ट देखिए, फिर मैं लोगों से यहाँ आपको मिलवाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है कार सेवकपुरम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक टोपी है, इस टोपी में लिखा हुआ है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये टोपी उन्हें दी जाएगी, उन्हें पहनाई जाएगी, जो वीवीआईपी डेलीगेट्स होंगे, जो विदेशी मेहमान होंगे उन्हें ये टोपी दी जाएगी। कई टोपियां हैं यहाँ पर, राजस्थान के जोधपुर से ये टोपी लाई गई है, यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाथ में यहाँ पर एक गदा है, ये विदेशी मेहमानों को दिया जाएगा, जोधपुर से ये लाया गया है और कार सेवकपुरम में अभी भेंट किया जाएगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं
बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर ग्राम कुरथल से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, युग राम राज का आ गया, मोदी योगी तो छा गया। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये जो टोपियाँ, ये जो टोपी है, ये जो पगड़ी है, ये डेलीगेट्स को दी जाएगी। ये विदेशी मेहमान जो कल आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, उन्हें ये दी जाएगी। गदा भी है और ये गदा भी विदेशी मेहमानों को दी जाएगी। ठीक है, देखिए आसपास आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी में कितनी भीड़ नजर आ रही है, उसका कारण कि राम मंदिर आज बंद है, तो जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लें। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र बॉम्बे से आए हूँ। महाराष्ट्र बॉम्बे से आए, इधर इतना सुख शांति लग रहा है, स्वर्ग मोक्ष। ये हनुमान जी ने हमको हनुमान जी ने 1988 में RDX इधर रखा था, यही हनुमान जी ने अयोध्या को बचाया था। आप गदा लेकर आए, कहाँ से आए? मथुरा से आए, दिनेश शर्मा नाम है हमारा, और हनुमान जी का मथुरा से, वृंदावन से, वृंदावन गाना की नगरी से जी। और हमें गदा लेकर क्यों आए? गदा इसलिए लाए कि कुछ विधर्मी ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर में फिजूल खर्ची हो गई है, और कुछ विधर्मी कहते हैं भगवान श्री राम काल में गए, तो ये हनुमान जी की गदा उनके लिए लाए हैं। सर पे मारनी है क्या? सर पे नहीं, वो दिख जाएंगे ना तो उनके कमर पे लगाएंगे ये गदा। गदा उनके कमर पे लगाएंगे जो ये कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची बता रहे हैं, क्योंकि ये गदा शुद्ध गदा है, ये स्पर्श मार से ही उनको सनातनी बना देगी। नहीं, वो तो ये बताइए एक बार। इतने सारे लोग हैं, कौन ऐसा है जो पहले आया हो? 4-5 साल पहले आए हैं क्या? यही रहते हो? क्या था पहले ये बताओ। मैं 13 साल पहले आया था, तब हनुमान जी रामचंद्र भगवान है ना, प्लास्टर का खच्चरे में बैठे थे, टेंट में नहीं, प्लास्टर का कूड़ा निकलता है उसके ऊपर बैठे थे, उसके ऊपर से कपड़े का तंबू था छोटा सा, और दिल बहुत द्रवित हुआ था। 5 साल पहले टेंट में बैठे थे भगवान राम लीला, मैंने देखा था। आज बड़ा मंदिर बन गया है। मैं जैसलमेर से आया हूँ, राजस्थान से, बड़ी खुशी हो रही है। और राम श्री किसको मिलता है मुझे ये बताइए। योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी राम है। एक मिनट रुक जा भाई, लड़का पैदल चल के आया, सुनने दो उसको। हाँ, कहाँ से आया? मैं लखनऊ से चल के आया हूँ। तो ज्यादा दूर नहीं है, 120 किलोमीटर। मैम 140 है। 140 है मुझे। मैम थकेंगे क्यों? माँ का आशीर्वाद है, और प्रभु श्री राम जी से मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर था। मैम मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे आज मिल गया, मेरे सारे पाप कट गए मैम। पाप किए थे पहले आप? बहुत करके कट गए मैम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए मैम। मैं अपनी माँ से जिद करके आया हूँ, जिद करके आया हूँ, और मेरी एक आखिरी इच्छा या अंतिम इच्छा या मेरे भाव ले लीजिए, मैं इस धरती पे खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे योगी आदित्यनाथ जी को PM देखना बनता है, मैं देखना चाहता हूँ। एक मिनट, आराम आराम से सब बात करिए। नरेंद्र मोदी के कारण ही मानते हैं कि ये होने जा रहा है जी, और सरकार भी तो कर सकती थी फैसला, तो फैसला तो करना नहीं चाहती थी। मोदी है तो वोट बैंक की राजनीति की मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी कोई गा पाता है, गाना गाता है, आता है किसी? बोलो। सीता ना समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सो का। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला आ रहे हैं, और मैं भी बड़ा भागशाली हूँ जो अयोध्या से पहला निमंत्रण मिला है, मैं भी कल जाऊंगा, तो ये मैं बड़ा भागशाली हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री साधु संतों के नजर में एक सेवक हैं जो सरयू तट में। अच्छा, दोबारा रिपीट होंगे क्या? क्या मानते हैं? होंगे, हो गए हैं जी। एक मिनट हमारी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। सरयू जाएंगे और एक राम सेवक बन करके, और दरस परस मंजन अरुपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना, तीनों जन्म के पाप संघार हो जाते हैं सरयू के दर्शन करने के लिए, इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पैदल आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं? हाँ, मतलब
श्री राम जो सरयू नदी है वहाँ से पैदल उनका आगमन होगा राम जन्मभूमि पर, आपको बताना था। अच्छा अच्छा ठीक है थोड़ा और हाँ रुको भाई, सबसे बात करेंगे, ये जरा आइए, आप कहाँ से आए हैं? बड़ा माला और सब एकदम वेशभूषा अच्छी पहन कर आए हैं, कहाँ से आए हैं? वृंदावन से। ये वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैंने इनका जैसे ये देखा ना, मुझे लगा भी वृंदावन से है। और हनुमान गढ़ी से हनुमान जी के चरण में ये प्रार्थना करके आई है। मैं मथुरा की भाषा में, यह अच्छी लगी, यहाँ बहुत अच्छी लगी, और मथुरा की भाषा में, मथुरा की भाषा में तो बोल रहे हैं हम कि हनुमान जी के चरण में प्रणाम करके आई है और जी कह के आएंगे कल यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है जाए और बाकी बाद में पूरी मीडिया और सबरी जितनी जनता है अब मथुरा की तैयारी करे। नहीं सबरी ने तो कर ली, तुमने करी कि ना करी? अरे हम तो वहीं पे आए प्रार्थना करके, हम यहाँ पे आए हो, यहाँ के नमा बुलाए हुए आए, वहाँ के लिए बुलाए हुए आए हो। अच्छा, यानी कि यहाँ के बाद वहाँ की बारी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ में संशय नहीं। लेकिन 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 ओवैसी जी कह रहे हैं कि एक मस्जिद छीन ली दूसरी भी छीनेंगे क्या? छीना छीनी की बात ही ना है, काहे की बात है? हम तो अपनी बात अपनी चीज अपने आप ले रहे हैं और कानून ते ले रहे हैं, उनने झपट के लई, उनने कपट ते लई और हम न्याय ते ले रहे हैं। न्याय ले रहे कपट ते ना? बिल्कुल ना है, बिल्कुल ना है। अच्छा ठीक है, अगर झपट के लिए हो जाता तो 500 साल पहले हमारे पुरखा ले लिए होते। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये मथुरा से आए हैं, मथुरा में गाय बहुत है, है ना? नहीं नहीं गाय मतलब मैं थोड़ा धीरे कम बोल पा रही, गावे बहुत है वहाँ के लोग, बोले बहुत है वहाँ के लोग, सही कह रही हूँ? तो गा के सुना देना। तो वृंदावन की सुनाएंगे फिर, तो मैं सुना दे गाना। अरे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, अरे जपे जा राधे राधे, झटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण जय जय श्री राम। सुनो यो जो तुमने मेरी बात सुनो, यो जो तुमने चश्मा लगाए रखो, यो ना चलन देते वहाँ के बंदर, यहाँ तो चलन दियो तुम। अरे सुनो एक बात बताए, यहाँ के बंदर के में कोई हमें चश्मा के मतलब ना है, पर वृंदावन के बंदर यो कहे के इन चश्मा को हटाए के और संतन के चरणन को चश्मा लगाओ। आओ देखो देखो, हमारे एक ब्रज के ब्रजवासी और ये ले और इनते कहेंगे वो तो लगे, तुम नाच भी ले बढ़िया। अरे अम्मे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, अब मथुरा भी सजा देंगे, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे, जय श्री राम। एक माता जी लाली खूब प्रजवासा अच्छी बोल ले। मैं तो राधा को मानू या मारे बोल लू, मैं तो भाई की तो सखी है, भाई की सखी हूँ मैं। यो बताओ कि किन के बारे हो रहे हो यू, मतलब को कर पा रहे हो है? कोई नहीं कर पाओ कोई, अब तक सब कह रहे हैं कि मोदी के मारे हो, सही बात है? मोदी के मारे हो रो, मोदी के मारे, हाँ मोदी कर रो। नहीं सब तो कह रहे हैं कि राजनेता कह रहे हैं कि नाना तुमने मस्जिद हमारी छीन ली। अरे ना है, मोदी हो, मोदी ना होते तो होवे ही ना है, होवे ही जिंदगी भर ना हो सके। तो अब यहाँ बन गया आपका, मथुरा की बारी है, तैयारी, मथुरा की तैयारी करके आए। नाय को मांगो, वो तो मस्जिद है। अरे नाय वहाँ हमारे लाला का जन्म स्थान है, तुमने देखो, देखो हमने देखो, देखो क्या देखो, हमारे पूर्वजों ने देखो, सबने देखो, वहाँ मथुरा से और मथुरा के अलावा कोई ना जैसा जगह जहाँ हमारे कन्हैया जन्मे हैं। हमारे कन्हैया आज को जश्न मना ले, मथुरा छोड़ दो आज को जश्न, फिर कुछ। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी। अच्छा अयोध्या से कोई है क्या यहाँ पे? कौन है इधर? कौन है अयोध्या से? कौन है इधर आओ, इधर इधर आओ।
अब मैं आपके सामने सब कह रहे, अरे रुको रुको जाओ, मैं ये कह रही हूँ, हमेशा लोग कहते हैं कृष्ण बड़े क्या राम बड़े, हम अब हमारे सामने एक राम वाले एक कृष्ण वाले, अरे एक ही तो हैं, ये चंचल हैं, ये थोड़े गंभीर हैं, या के नैन चपल हैं, ये सीधे हैं, तो आप थोड़ा ये हो जाए कि आप अपने कृष्ण की बताओ, तुम अपने राम की बताओ, देखो कौन जीते है, राम बताओ। हाँ। राम हमारे कण कण में बसे हैं। अरे तो कृष्ण आए हैं क्या? अरे कृष्ण के बारे में भी बता देंगे, पहले तुम ही बोलो। बताओ राम के बारे में, बताओ राम के बारे में। राम राम देखो, एक राम वाले हो गए, एक कृष्ण वाले हो गए, अब तुम अपने अपने की बताओ, देखो कौन जीते। राम बताओ, राम तो पहले है, श्याम बाद में आए, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, बोले राम राम राम, राम। अच्छा बता दे तो कन्हैया के बारे में। अब रुक जाओ, नेक्स्ट सुन ली तुमने राम के बारे में, न कन्हैया के बारे में सुन लो। एक बार अयोध्या द्वारिका जाओ, तीन बार चार बार बद्रीनाथ ध्यान धरे आए के, अरे पांच बार काशी में, छह बार जगन्नाथ, सात बार यमुनोत्री ध्यान धरे आए के, आठ बार द्वारिका में, और नौ बार गंगा सागर, ऐसे तीर्थन पे दस दस बार जाए के, लेकिन जेते जेते फल होत कोटि तीर्थन नहायन ते, एते फल होत एक राधा नाम गाए ते, राधे राधे क्योंकि ब्रज धूल ही प्राण से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, मिछरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिथिला से आए हैं। अरे रुको 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 भैया, ससुराल वालों पहले सुनो। मैं हूँ ससुराल वाला, से आए हैं और पैदल आए हैं। ससुराल से पैदल जी जी, सीसा पर कंकर पर चढ़ के हम अपने प्रभु जी से मिलने के लिए 500 किलोमीटर से सिमरिया से जल लिए। अरे सुनो भैया, विदाई में कुछ लाए होगा? काला है, काला है भैया, काला है, काला है। रुक जाओ, अब ये हो गए ससुराल वाले और ये हो गए मायके वाले, तो ये थोड़ी तड़ी दिखाते हुए कह रहे हैं कि चुलाए हो कि खाली चले आए हो, अब बताओ कि पाहुन के लिए लाए हो कि खाली। पाहुन के लिए तो जितना भी कम लाए हैं उतना भी कम पड़ा है, इतना लाए हैं। क्या लाए हो? क्या लाए हैं? पाहुन के लिए जो लाए हैं वो डब्बा में बंद है। अरे तो लाओगे, हम बता दें, हम बता दे क्या चाहिए। रुक जाओ, अब ससुराल बाजार बता रहे क्या चाहिए, ये पूछ रहे हैं कि इनको चाहिए क्या, पूछो सुन लो। हमको जानकी ऐसन माई चाहिए, हमको राजा राम के जैसन राजघराना चाहिए, हम सीताराम 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 कहिए, और जही विधि राम राखे वही विधि रहिए, मुख में राम 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 सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। इन्होंने मांग लिया, अब बता दो।